मेरा नाम विवेक मीणा, मैं गांव हलास से आया हूँ। हमारे बच्चे इसी आरसी स्कूल में डिफेंस में पढ़ते हैं और अच्छा लगा पहली बार इसी पेरेंट्स मीटिंग में आने से और क्लास टीचर से बात करके। काफ़ी अनुभवी टीचर है जिन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए कामयाब करता हूँ। मेरा नाम धर्म सिंह है और ये मेरे 3 बच्चे हैं और मैं आरसीआई मीटिंग या पेटीएम में फर्स्ट पेटीएम के लिए इन बच्चों की देखरेख के लिए आया हूँ। बच्चा और टीचरों से भी मिला हूँ और टीचरों और इस स्कूल का जो मैनेजमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चे भी मेरे ये बहुत प्रोग्रेस पे चल रहे हैं और आगे वैसे भविष्य में रहा तो इनका अच्छा उज्जवल भविष्य बनेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम विजय कुमार है। मेरा बच्चा 9th C क्लास में यहाँ पढ़ता है। यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ के टीचर भी अच्छे हैं और बढ़िया पढ़ाई हो रही है। मेरा नाम रमेश चंद्र शर्मा है। मैं पहली बार मेरे SMS से निकलवा के आरसीआई में डाला हूँ। मुझे स्कूल बहुत बढ़िया लगी है। इसमें क्या नाम जी का अनुशासन बढ़िया है और देख रेख भी बढ़िया है और अच्छी पढ़ाई भी होती है। और इसके साथ में यहाँ पे मैंने बहुत ज्ञान मिला है मुझको देखकर यहाँ स्कूल में, और कि यहाँ का स्टाफ भी बहुत बढ़िया है और हमारे बड़े सर हैं जो बहुत अच्छे हैं। आरसीआई शिक्षा ग्रुप बानसूर की ओर से आज विद्यार्थियों की प्रोग्रेस जानने के लिए पीटीएम का आयोजन किया गया। पीटीएम में सबसे पहले समस्त अभिभावकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अधिक संख्या में उन्होंने विद्यालय मैनेजमेंट और सभी स्टाफ का इस बात के लिए सहयोग किया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई में किस प्रकार से अधिक सुधार किया जा सके। अब तक जुलाई और अगस्त की जो रिपोर्ट थी बच्चों की, वो अभिभावकों को समस्त स्टाफ के द्वारा बताई गई। इसी के साथ में विद्यालय मैनेजमेंट और समस्त स्टाफ की ओर से विद्यार्थियों के लिए किन किन बातों का घर पर ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए हमारे स्टाफ की तरफ से विशेष सुझाव अभिभावकों को दिया गया। और मैं निवेदन करना चाहूँगा अभिभावकों से कि वे भी विद्यालय मैनेजमेंट और स्टाफ का विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए विशेष सहयोग दें। जो टाइम टेबल विद्यार्थियों के लिए अभिभावकों को बताया गया है, उस टाइम टेबल का विद्यार्थियों को अभिभावक घर पर पालन करवाएं। निश्चित है शानदार जो परिणाम है वो आएंगे। सभी अभिभावकों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।